नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, इसके पहले पाठ तीन संति में गुरुवह राजन की, हे राजा मेरे बहुत से गुरु हैं, इस पाठ का अनुवाद आपने पढ़ा जिसमें पांच मंत्रों का अनुवाद आपको बताया गया था। अब उसके बाद छठा मंत्र है, मंत्र नंबर छ, अणुभ्य च महदभ्यम च शास्त्रेभ्य कुशल नर सर्वतः साराम आद्यतः पुष्पभ्य यु षष्ठ पद। इसका इसमें भ्रमर गुरु, भ्रमर अर्थात भौरे को गुरु के रूप में बताया गया है। जब अनुवाद करेंगे तो यु षष्ठ पद लिखा हुआ है, तो यु शब्द का अर्थ होता है तरह अथवा समान। तो अनुवाद में सबसे पहले आएगा कि यु अर्थात जिस तरह, षष्ठ पद अर्थात भौरा, जिस प्रकार से भ्रमर, अणुभ्यम च मदभ्यम शब्द का अर्थ है कि छोटे और बड़े, छोटे और बड़े सर्वतः सभी प्रकार के पुष्पभ्यम अर्थात पुष्पों से, सभी प्रकार के पुष्पों से साराम आद्यत शब्द का अर्थ है कि सुगंध प्राप्त करता है। जिस प्रकार से भ्रमर छोटे और बड़े सभी प्रकार के पुष्प से सुगंध प्राप्त करता है, उसी प्रकार कुशल नर शब्द का अर्थ है कि बुद्धिमान मनुष्य को, उसी प्रकार बुद्धिमान मनुष्य को अणुभ्य च महदभ्यम च शब्द का अर्थ फिर से लिखा जाएगा और वहाँ पर उसका अर्थ लिखेंगे कि सूक्ष्म और बड़े अथवा छोटे और बड़े शास्त्रेभ्य शब्द का अर्थ कि सभी प्रकार से शास्त्रों से, उसी प्रकार बुद्धिशाली मनुष्य को छोटे और बड़े सभी प्रकार के शास्त्रों से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। पूरा अनुवाद सुन लो आप एक बार कि जिस प्रकार से भ्रमर छोटे और बड़े सभी प्रकार के पुष्पों में से सुगंध प्राप्त करता है या सुगंध ग्रहण करता है, उसी प्रकार बुद्धिमान मनुष्य को या बुद्धिशाली पुरुष को छोटे और बड़े सभी प्रकार के शास्त्रों में से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इसका सातवां मंत्र है मीनह गुरह। मीनह गुरह शब्द का अर्थ की मछली गुरु के रूप में। तो जीहा अति प्रति प्रमाथिनया जन रस विमोहित वृत्तम रिक्षति असत्य बुद्धि मीना तु बडसे यथा। यहाँ पर बडसे शब्द का अर्थ बताया गया है मछली पकड़ने का कांटा, और यथा शब्द का अर्थ कि जिस प्रकार, तो यथा शब्द का अर्थ कि जिस प्रकार, रस विमोहित शब्द का अर्थ कि रस के कारण मोहित, जिस प्रकार रस के कारण मोहित, असत्य बुद्धि शब्द का अर्थ कि असत्य बुद्धि वाले या दुर्बुद्धि वाले, जिस प्रकार रस के कारण मोहित दुर्बुद्धि के कारण, अति प्रमाथिनया शब्द का अर्थ कि स्वयं के प्रति आकर्षित करने वाले, स्वयं के प्रति आकर्षित करने वाले बडिसे यथा शब्द का अर्थ है, बडिसे शब्द का अर्थ कि मछली पकड़ने वाले कांटे से, मछली पकड़ने वाले कांटे से जीहा जीवा के कारण मीनः मृत्युम रिक्षति, मछली जो है मृत्यु को प्राप्त होती है। यु उसी प्रकार फिर से रस विमोहित शब्द का अर्थ है कि उसी प्रकार स्वाद के कारण आकर्षित असत्य बुद्धि दुर्बुद्धि वाला मनुष्य स्वयं के प्रति आकर्षित करने वाले जिह्वा के कारण मोहित होकर के मृत्यु को प्राप्त होता है। इसका अनुवाद एक बार और सुनो आप, जिस प्रकार रस विमोहित रस के कारण
आकर्षित होकर जिस प्रकार रस के कारण आकर्षित होकर असत्य दुर्बुद्धि के कारण असत्य बुद्धि मीन शब्द का अर्थ है कि दुर्बुद्धि के कारण मछली स्वयं की तरफ आकर्षित करने वाले जीव के कारण जीवा के कारण बड़ी से मछली पकड़ने वाले कांटे से मृतः रिक्षति मृत्यु को प्राप्त होती है। उसी प्रकार से रस विमोहित रस के स्वाद के कारण या रस के कारण मोहित होकर उसी प्रकार रस के द्वारा मोहित होकर के असत्य बुद्धि वाला मनुष्य स्वयं की तरफ आकर्षित करने वाले स्वयं अपनी जिह्वा के कारण वश में होकर के मृत्यु को प्राप्त करता है। इसके बाद अंतिम मंत्र है आठवां मंत्र उपसंहार, जिसमें यह बताया गया है कि न ही एकस्मात् गुरुः ज्ञान सुस्थिरम अस्यात् सु पुष्पकलम इति उक्त्वा स यदु विप्र ययो प्रियतो यथा आगता। इसका अर्थ है कि एक अस्मात् गुरु ज्ञानाम न सुस्थिर सु पुष्पकलकम अस्यात् अर्थात एक ही गुरु के पास से प्राप्त किया गया ज्ञान स्थिर सुस्थिर और अत्यधिक नहीं होता है, सुस्थिर और पर्याप्त या अत्यधिक नहीं होता है। इति युक्त्वा इतना कह करके स विप्र इतना कह करके वह विद्वान यदु के पास से इययो आगता पृथयता, जिस प्रकार से आए थे प्रसन्न होकर वैसे ही चले गए। एक ही गुरु के द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान सुस्थिर और अधिक नहीं होता है, ऐसा कहकर वह विद्वान यदु राजा के पास से ययो यथा आगता प्रीतो शब्द का अर्थ की जिस प्रकार से प्रीतो शब्द का अर्थ प्रसन्न होकर जैसे आए थे वैसे ही वापस चले गए। ये इस पाठ का अनुवाद पूरा हो गया, इसे आप एक बार पढ़ेंगे और फिर लिखेंगे। धन्यवाद।